हेलो फ्रेंड्स, आयरन करने वाले एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमें -3.5, 3.1, 0.3, -1, -4 हमें ये क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे हमें बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखो मैंने क्या किया, इनका क्वाड्रिलेटरल बना तो दिया, पर हम देखते हैं अभी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें कि ए बी सी और डी बना दिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या ए बी डिस्टेंस डालते हैं, ए बी डिस्टेंस के लिए हमें पॉइंट दे रखे हैं, माइनस पॉइंट दे रखे हैं, ये ए है और बी क्या है, ये बी है। हाँ, तो हमें डिस्टेंस निकाल दी। देखो इसमें फॉर्मूला आएंगे x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूला आपको बताया है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक एक के लिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखिए x2 - x1 0 - -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 3 - y1 का होल स्क्वायर, माइनस आएंगे और क्या है -4 का होल स्क्वायर। ये 1 है तो ये वैल्यू 1 आएगी, प्लस देखिए प्लस हो जाएगा 7 और ये वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 749 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी √50 वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, यस देखिए अब हम √50 को और सिंपलीफाई करके देखिए √50 के हमें क्या फैक्टर मिल जाएंगे, 225 5 और 5 बन जाए, मतलब इसे हम 5√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये ए बी है और हम निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए देखो ये क्या है, बी और सी, ये बी है और ये सी है, मतलब कि हाँ ये सी है। दी इसे मानते हैं एक्स वन, इसे हम मानते हैं वाई वन। ठीक है, तो इसका भी लगाते हैं फॉर्मूला, देखिए ये एक्स टू है 0 और माइनस एक्स वन क्या है 3 है, तो इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस वाई टू क्या है 3 है माइनस वाई वन क्या है 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, प्लस ये 3 - 1 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी √13 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सी डी निकालते हैं। सी डी में क्या है, देखिए ये 3.1 है, इसे मानिए एक्स टू, इसे मानिए वाई टू। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं आपका, एक्स टू क्या है -3, इसमें इस बार -3 - x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू क्या है 5 है -y1 क्या है 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए ये 3 - 3 - 6 हो जाएगा और -6 का करेंगे तो ये क्या आएगा √36 हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 क्या 4 और 4 का 16 हो जाएगा, जैसे प्लस करेंगे 2 5 मतलब 52 हो जाएगा। अब देखिए 52 का हम क्या है अच्छी तरह से देख लेते हैं, इनके फैक्टर क्या होगा, 2 2 2 6 2 13, मतलब ये 8 2 √13 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम डी ए डी निकालते हैं, ए डी या डी ए निकाल दीजिए। तो देखिए ए डी, ए डी के लिए 3.5 क्या है, ये होगा फिर डी हो गया, आपका ए क्या है आप 1.4 है, ये आपका ए हो जाएगा। तो जब उसमें निकालेंगे आप एक्स टू क्या दीजिए, एक्स टू -3 है, माइनस करेंगे बैक में -1 करेंगे, इनका जब स्क्वायर करेंगे ठीक है, प्लस वाई टू क्या है 5 है माइनस, और ये क्या है वाई वन है -4 का करेंगे, तो देखिए कितना होगा -3 है, ये +1 हो जाएगा और ये स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करते हैं, ये क्या है 5 + 4 हो जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे, तो देखिए ये 3 - 1 मतलब 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, प्लस 5 और 9 9 81 वैल्यू क्या है √85। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि ए बी हमें मिला है 5√2, बी सी मिला है √13, सी डी मिला है 2√13 और ये डी ए मिला है वो √85 मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या 5√2, देखिए क्या कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बन सकता है, इसमें हमें दे रखा है कि BC प्लस CD हमें क्या क्या देगा, ये आपको देखिए यस। अब देखिए हम क्या है, पहले हम AC निकालते हैं और BD निकालते हैं। ठीक है, इनके डायगोनल निकालते हैं। देखिए AC में क्या है, ये X1 मान लीजिए, Y1 मान लीजिए, इसे X2 और ये Y2, तो AC निकालते हैं, AC वाली कितनी मिलेगी X2 - X1 मतलब कि 3 माइनस, और ये देखिए ये क्या है -1 है। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस X2 क्या है 1 माइनस और ये -4। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, ये क्या 3 - 1 + 4 16 हो जाएगा, प्लस 1 - 3 5 25 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी मिलेगी 1 3 4 मतलब √41 मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं BD, अब BD की जो वैल्यू आएगी, देखिए BD क्या है 0.3 है
और माइनस 3.5 है, तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो लगा दीजिए इसमें आप फॉर्मूला अपना, एक्स टू माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये रूट 9 प्लस 4 मतलब कि रूट 13 आ गई वैल्यू। अब आप देख रहे होंगे इसमें जो वैल्यू है कितनी है, बी सी प्लस बी डी इक्वल्स टू सी डी, मतलब देखिए बी सी रूट 13 है और प्लस बी डी भी रूट 13 है और जो सी डी कितना है 2√13। तो देखिए इनका क्या होगा, 2√13 इक्वल्स टू 2√13 आ गया। मतलब कि अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो जो साइड है देखिए बी डी एक इस साइड होगी, इन पर क्या है आपका ये क्वाड्रिलेटरल इसका फॉर्म कुछ इस तरह से मतलब बन नहीं पाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं ए बी सी माने देखिए इसमें क्या है बी डी बी सी क्या है, और मान लो ये डिस्टेंस है 13 रूट 13 और रूट 13, जब इनका प्लस करेंगे तो हमें 2√13 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों लाइन क्या है एक लाइन में आ रही है। अब क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए एक क्या क्लोज्ड फिगर चाहिए, क्लोज्ड पर ये क्या है ए बी सी जो पॉइंट होंगे वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, और एक जो लाइन होगी मान लो ए बी सी एक ही पॉइंट बन रहा है कोलिनियर बन रहा है, और जो डी बचेगा पॉइंट वो अगर हम यहाँ डी लगा भी दें तो भैया क्लोज्ड फिगर नहीं मिलेगा। इस वजह से ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। यस, अब देखिए 6 का पार्ट 3 है, हमें क्या है ए बी सी डी हमें क्या है क्वाड्रिलेटरल मतलब की पॉइंट दे रखे हैं, और भी बताना ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस तरह का है। तो ठीक है, पहले हम देखिए ए बी निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे बी सी और सी डी और डी ए, और फिर लास्ट में हमें दो निकालना है इसके डायंगल, बी डी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है। तो अब देखिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ देखिए क्या है एक्स वन ये वाई वन और ये एक्स टू और वाई टू, जब इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए ए बी किस तरह से आएगा, 7-4 करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो 7-4 3 आएगा, और 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, ठीक है। प्लस अब 6-5 करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो कितना आ गया √10 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे बी सी, ये बी सी की वैल्यू है, तो अब देखिए हम बी सी निकालते हैं, और बी सी के लिए देखिए ये एक्स टू है इसे मान लो एक्स वन इसे वाई वन मान लीजिए, अभी एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो 7-4 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या है 9 होता है। प्लस ठीक है 6-3 करेंगे तो हमें क्या है वाई टू माइनस वाई वन करेंगे ना 6-3 तो 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा वो होगा 9 होगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई √18 आ गया। अब देखते हैं हम सी डी, सी और डी डी की इसे मान लीजिए एक्स टू इसे वाई टू मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1-4 करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 की वैल्यू क्या आएगी 9 आ गया, ठीक है। प्लस अब देखिए y2 - y1 2 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जो कि माइनस का, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गई 1, मतलब इसमें आ गया √10 आ गया। अब डी ए करेंगे तो देखिए ये एक्स टू है ये एक्स वन है, तो 1-4 करेंगे 1-4 वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू ये 9 आएगी, और ये क्या है 2-5 करेंगे तो वैल्यू -3 होगा, और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। प्लस तो √18 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं बी डी, बी और डी, तो देखिए अब यहाँ एक्स टू है ये एक्स टू है, मान लो मैं इसको एक्स वन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस बार एक्स वन और वाई वन, ठीक है बी डी के लिए। तो बी डी जब निकलेगा 1-7 वैल्यू कितनी होगी -6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है 6 का, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाई टू क्या है 2-6 वैल्यू -4 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 आ गया, वैल्यू कितनी आएगी 2/5 मतलब √52। अब निकालते हैं एसी, ये एसी है मान लीजिए, तो देखिए एक्स वन है इससे हम मान लो से हम वाई एक्स टू करते थे इसे भी एक्स टू कर दे रहे हैं, ठीक है। जब 4-4 करेंगे 4-4 मतलब 0 का स्क्वायर कितना हुआ 0 का स्क्वायर 0। प्लस अब देखिए 3-5 करेंगे मतलब y2 - y3 रहेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, मतलब कि ये √4 आ गया तो वैल्यू 2 आ गई। अब आप देख रहे हैं देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी मतलब कि ए बी इक्वल्स टू सी ए बी सी डी मान लो हमें सी डी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी बैठ रहा है 10√10√10 आ गया। अब सी डी मतलब क्या बी सी, बी सी इक्वल्स टू क्या है ए डी है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और इनके डायगनल्स क्या है इक्वल नहीं है, मतलब कि बी डी
बी डी नॉट इक्वल टू ए सी, जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, ये होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ओके देखिए ऊपर वाले ए बी इक्वल टू सी डी है और ए डी इक्वल टू बी सी है, पर उनके डायगोनल क्या है इक्वल नहीं है, जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। तो हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट्स हैं जो एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो एक होगा आपका पैरेललोग्राम। तो आप इस क्वेश्चन लिखेंगे कि दिस इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है इस आंसर में। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब तक तो हम कर रहे थे मतलब ये फॉर्मूला लगा रहे थे, उससे पता कर रहे थे, ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं तक था कि आप डिस्टेंस निकाल सकते हो या क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन आएंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में वो ये वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखते हैं, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें क्या है पॉइंट निकालने किस पर एक्स एक्सिस पर, और विच इज इक्वी डिस्टेंस। इसमें तो एक शब्द आया है इक्वी डिस्टेंस, मैं चाहता हूँ पूरा समझें अच्छी तरह से, आप खुद ही एक बार समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल होता है इक्वल, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। अब यहाँ क्या पॉइंट देखे, 2, -5 और -2, -9। तो देखिए पहले तो मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, फिर इसका मतलब कि एक्यूरेट समझाऊंगा। पहले देखिए एक्स एक्सिस ये पॉइंट सेट दे रखे हैं, तो समझ ली मान लो हमने एक एक लाइन बना ली, हमने क्या इस पर एक्स एक्सिस मान ली, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि एक्स कॉमा उसमें एक्स एक्सिस तो हो और वाई एक्सिस जो हुई वो जीरो होगी, क्योंकि बोला ही एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर क्या है एक्स एक्सिस तो है और वाई एक्सिस क्या है वो जीरो रहेगी। तो हमने क्या पॉइंट यहाँ क्या आएगी एक्स कॉमा जीरो आ गई, वैल्यू दे रखी है 2, -5, ठीक है इसे हम पॉइंट ए मानते हैं, और 2, -2, -9 इसे हम पॉइंट बी मानते हैं। अब देखिए हमें क्या है, हमें इसमें एक्स एक्सिस वैल्यू निकालनी है, तो ये हम इसे सी मानते हैं। तो हम क्या ही कर सकते हैं कि ए सी का इक्वल्स टू बी सी कर सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी सी कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। अब हम क्या है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे और हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू मिलेगी। देखो इसे मानते हैं, इसे हम मान लो एक्स वन और इसे वाई वन, इसे एक्स टू और इसे वाई टू, ठीक है, और इसे भी एक्स टू इसे भी वाई टू मान लीजिए, ठीक है वाई थ्री मानना है वाई फोर मानना है, और मैंने ऐसे कर लिया थी। अब जब ए सी निकालूंगा तो ए सी के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए कि एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब क्या है, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस फाइव और माइनस फाइव माइनस जीरो का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यस, अब निकालेंगे हम बी सी, इसी बी सी इक्वल रखो, बी सी निकालने के लिए दिए माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस नाइन प्लस माइनस नाइन माइनस जीरो का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए, देखिए जब ये सॉल्व होगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये 2 + x हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं कैसे हो जाएगा, मत करिए आप इसे माइनस एक्स ही मान लीजिए, ठीक है। अब प्लस 81 हो गया। अब जब इसे खोलेंगे 4 + x² - 4x + 25 इक्वल टू, देखिए इसमें क्या है मान लो मैंने ये 2 - x ये तो है, इसमें ऐसे दे सकता हूँ -2, 2 + x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अभी माइनस वन को जब आप दो बार -1 - -1 करोगे तो ऑलरेडी ये +1 हो जाएगा, और +1 को जब इसमें इंटू करोगे तो वैल्यू 2 + x ही आएगी, ठीक है ऑलरेडी। तो मैं चलो कोई बात नहीं, अभी ये हमें इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए 4 + x² वैल्यू क्या होगी 4 + x² और 2ab, देखिए चलो यहाँ आप ऐसे कर लीजिए -2 का स्क्वायर + -x का स्क्वायर, ठीक है ये देखिए +2 - -2 - x + 81, ठीक है ये क्या है x² - 4x + 29 = 4 + x², ये इसका इंटू करेंगे कितना होगा वैल्यू -4x + 81। अब देखिए इक्वल साइन यहाँ कट जाएंगे, जब ये वैल्यू इधर आएगी देखिए जब ये वैल्यू क्या आएगी -81 हो जाएगी -4x, और वैल्यू जाएगी -4x हो जाएगा, और वैल्यू देखिए ये 85 हो जाएगा, वैल्यू इधर जाएगी तो -29 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आपकी आ गई -8x आ गया, और ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 5 में 5 6 5 6 7 8 9 6 आ गया, और 7 में से 5 और 2 गए तो 5 बचा और 5, ठीक है। अब ये वैल्यू ठीक है, x वैल्यू कितनी आएगी 8 7 जाए मतलब -7 आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए
माइनस 7.0 पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस पे। अब देखिए मैं इसे बिल्कुल आपको समझाता हूँ ग्राफ पर, ठीक है। अब आप ग्राफ देखिए, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपके लिए मिलेगा, देखिए ए पॉइंट करिए, 2-5 करिए, तो देखिए कुछ पॉइंट यहाँ, देखो ये एक्स एक्सिस पॉइंट रहता है वाला, तो 2 आपका यहाँ आ गया और वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव चल रहा है, तो आपका कुछ -5 ये आपकी वैल्यू 2 मिलेगी और -5 यहाँ मिलेगा, मतलब 2-5 यहाँ मिल गया और 2 मिल गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है -2, देखिए हमें -2 कम से कम यहाँ मिलेगा और 9 हमें पॉजिटिव यहाँ मिलेगा, -2.9 हो जाएगा। अब इसे जोड़िए एक लाइन से, ये आपकी पॉइंट जोन हो गई। अब देखिए हमें यहाँ क्या है, ये एक्स एक्सिस तो है, यही तो एक्स एक्सिस है और यही वाई एक्सिस है। अब यहाँ ये पॉइंट कट हो रहा है तो ये वैल्यू क्या रही होगी, ये वैल्यू होगी हमेशा 0.0। इस वजह से मैंने आपको क्या यहाँ 0.0 लिखवाया था, सही माया क्यों लिखवाया, क्योंकि आप अगर इस पॉइंट पर चलना चाहोगे, यहाँ लिखना है मतलब कि इसको यहाँ पॉइंट बनाना है, तो वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू तो यहाँ 0 है ना, तो मैंने वही लिखवाया था 0.0। सही माया क्यों लिखवाया था, बस फॉर्मूला ये है कि इसको एक डिस्टेंस को इक्वल रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, इसे मान लीजिए आप इसे ए मान लीजिए, इसे मान लीजिए बी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, अच्छा पी है सॉरी पी और एंड क्यू, ये पी क्यू डिस्टेंस है, कितनी दे रखी है, इज 10 यूनिट्स, जो हमें जो आंसर आता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसे हम यूनिट्स की फॉर्म लिखते हैं, मतलब कि इन दोनों के पॉइंट में जो डिस्टेंस बिटवीन है, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है पी एंड क्यू के, वो 10 यूनिट्स है और हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो भाई बहुत सिंपल है, हम क्या है पी क्यू को इक्वल रख देते हैं 10 यूनिट्स के, क्योंकि यही तो 10 यूनिट्स है और पी क्यू को हमें पहले डिस्टेंस फॉर्म में निकालते हैं, देखिए इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये इसे मान लीजिए x1, इसे y1 और ये x2 और ये y को y2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 10-x1 की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है, y2 है y है, y2 -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ये 8 बचेगा, 8 is 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये अब देखिए 10 है, इसका जो रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है, इसका रूट हटेगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 y इक्वल्स टू 100 हो गया, और वैल्यू क्या होगी, y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 100 माइनस कितना होगा, इसका एड अप करिए 64-9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे माइनस करिए कितना वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपको बैठेगी 27 आ गया, मतलब y स्क्वायर प्लस 6y, अब ये क्या है 27, ये वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस की 27 आ गया ना, तो इधर आके -27 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको किसे ये वैल्यू सॉल्व करनी है, तो देखिए क्या है 9 3 27, ठीक है 9, तो y स्क्वायर प्लस 9-3y -27, इसे करेंगे y स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, y प्लस 9 आएगी, -3 कॉमन आएगा, तो y और 3 9 इक्वल टू 0, मतलब y प्लस 9 और y -3 इक्वल टू 0। देखिए इसको पुट करो तो प्लस 3 आएगा और जब इसको पुट करोगे 0 की करोगे -9 आएगा। अब देखिए इसमें वैल्यू कौन सी आएगी, तो अब देखिए माइनस की वैल्यू आई है वो, तो ये देखिए y की अगर दो वैल्यू आई है, -9 आई और 3 आई है, इस बार हम क्या देखो इसमें नेगलेक्ट नहीं करेंगे, 3 भी वैल्यू हो सकती है और 9 हो सकती है, नेगेटिव क्यों करेंगे, क्योंकि देखो पार्टीशन फ्रेम में y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव मिलती है और यहाँ नेगेटिव मिलती है, इस वजह से y की वैल्यू दोनों वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आपका आंसर ये इस तरह से होगा।